हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है लाइफ प्रोसेसेस का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रीनल फेलियर एंड डायलिसिस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि रीनल फेलियर क्या है। रीनल फेलियर को हम किडनी फेलियर भी कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, किस तरीके से इससे लोग सर्वाइव करते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो रीनल फेलियर जो है वो काफ़ी रीज़न से हो सकता है, जैसे कि अगर किसी के बॉडी में इन्फेक्शन हो, किसी के किडनी में इन्फेक्शन हो गया हो, या किसी की किडनी में चोट लग गई हो, या हाई ब्लड प्रेशर हो वहाँ पे, या हो सकता है कि सही से ब्लड ना पहुँच रहा हो, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम हो, या फिर हाई ब्लड शुगर हो। ये सब जब भी चीज़ें होती हैं तो उससे क्या होता है कि वो फर्दर जाके हमारे किडनी को फेल कर देती है, हमारा किडनी फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो जब कंप्लीट फेलियर हो जाता है किडनी का, तो उस टाइम क्या होता है कि वहाँ पे यूरिया और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाकी जो होते हैं वो सब क्या होता है, जमा होने लग जाते हैं हमारे ब्लड में, तो जो कि हमारे लिए टॉक्सिक है, पॉइजनस है। तो उसके वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी जो है वो उसके हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर ही नहीं निकल पाता है, और हमारा बॉडी धीरे धीरे वर्क करना बंद करने लग जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे डेथ भी हो सकती है, पर इससे बचने के लिए, इससे सर्वाइवल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किडनी ट्रांसप्लांटेशंस करते हैं। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशंस में क्या होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी किडनी आपसे मैच कर रही हो, मैचिंग किडनी हम लेते हैं, और जो आपकी किडनी जो आपकी फेल हो चुकी है उसको हम उससे चेंज करके और न्यू किडनी को वहाँ पे लगाते हैं, जिसके वजह से क्या होती है कि फिर वापस से हमारा लाइफ जो है वो पहले जैसा चलने लग जाता है। तो इसलिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन इसका एक मात्र सॉल्यूशन होता है। उसके अलावा आप क्या होता है कि अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन वाली चीज़ें नहीं हो पा रही, अगर बाय द वे किडनी नहीं मिल पा रही है आपको किसी की जो आपको डोनेट कर सके, तो इसके लिए आपको लाइफ टाइम तक डायलिसिस करनी पड़ती है। ठीक है, डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस ये होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मशीन के हेल्प से हमारे अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालते हैं। तो अब क्या, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से हर दिन रिलीज़ होता है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, कि हर दिन हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकलना ज़रूरी है ही, चाहे वो यूरिन के थ्रू निकले, चाहे वो एक्सक्रीटा के थ्रू निकले। ठीक है, तो वो चीज़ होता ही है। बट अब यहाँ पे क्या है, जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है, जिनका किडनी फेल है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हर दिन उनके बॉडी से एक्सक्रीटा नहीं निकल पा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हर एक दिन के गैप में उनके बॉडी का डायलिसिस होता है, ताकि डायलिसिस के थ्रू मशीन के हेल्प से वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को उनके बॉडी से निकाल सके। तो ये होता है डायलिसिस। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर समझ में आई हो। और अगर जिनका किडनी मैचिंग किडनी मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही करा ले, वो ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन होता है डायलिसिस से। क्योंकि डायलिसिस अगर एक बार आपको करना हो, तो आपको लाइफ टाइम तक वो करना होता है, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं कर पाओगे तो वो वेस्ट धीरे धीरे आपके बॉडी में जमा हो जाएगा, और आप उससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो यही होता है रीनल फेलियर एंड डायलिसिस। ओके, एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है। बहुत छोटी सी वीडियो थी, इसमें बस हमें इतना ही जानना था, और आज ये लेक्चर ओवर हो गया है, और नेक्स्ट सब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।